हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आप लोग कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रही है। अब तो 17 दिन बाकी है बस मेंस के लिए, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। अब तो पढ़ाई को और दोगुनी कर दीजिए और मॉक लगाते जाइए। जितने मॉक लगाओगे आपको उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मॉक किसी के भी लगा लो आप, जैसे ACC के लगा लो, या IIB के लगा लो, या और कोई आपके पास सोर्सेज हो उसके लगा लो। पर आप जितने ज़्यादा मॉक लगाओ उतने ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वही टारगेट वाइज स्टडी लेके चलो। आपको टारगेट पूरा करना है, एक दिन में एक दिन दो सब्जेक्ट, या एक सब्जेक्ट को एक दिन में, जो भी आप लेके चलोगे वो सही लेके चलो, ठीक है? और क्या, पढ़ते रहो। और आज का मेरा टारगेट है, आज मैं एनिमल हस्बेंड्री करूँगा और उसके साथ में एक माइनर सब्जेक्ट लूँगा, जैसे कोई सेरीकल्चर, या हाँ सेरीकल्चर, आज सेरीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, तो ये ख़त्म करूँगा और दो मॉक लगाऊँगा और उनके क्वेश्चन करूँगा। ये ठीक है, अभी बहुत टाइम है, आज पूरा दिन है। तो अभी पिछला मैंने हॉर्टिकल्चर का कवर किया था, जो 2 दिन तबीयत ख़राब थी, उसके बाद कल हॉर्टिकल्चर किया था, तो अभी हॉर्टिकल्चर मेरा कंप्लीट हो गया। तो रिजल्ट तो अभी देखो, जैसे UPSPO ने निकाला है, आई होप कि वैकेंसी इंक्रीज हो जाए और कट ऑफ भी थोड़ा कम हो जाए। तो ये जैसे IBPS ने किया है रिजल्ट को, अभी कट ऑफ थोड़ा पिछले साल से कम निकाला है और वैकेंसी उन्होंने इस बार इंक्रीज कर दी है। तो IPSSO में भी ऐसा हो सकता है कि वैकेंसी इंक्रीज हो जाए और आपकी कट ऑफ भी थोड़ा कम निकले। लेकिन आपको इससे मतलब ही नहीं है, आप तो पढ़ाई करते रहो, ठीक है? धन्यवाद।